स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से टॉप 25 क्वेश्चन की लिस्ट लेके आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको एक बेहतरीन तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा, ऑप्शन ए उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, ऑप्शन सी उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, ऑप्शन डी पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी, बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, ऑप्शन ए रमफोर्ड, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डेवी, ऑप्शन डी सेल्सियस, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डेवी। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है ऑप्शन ए 4186 जूल पर किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 4.186 जूल पर कैलोरी, ऑप्शन सी 4.186 इंटू 10^7, ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में है ऑप्शन ए ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऑप्शन बी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा में होता है, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, ऑप्शन डी ऊष्मीय का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है, बताइए। इसका सही आंसर है यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है, ऑप्शन ए रेगिस्तानी पौधों को छाया में बैठकर, ऑप्शन बी अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री बढ़ाकर, ऑप्शन सी अपने शरीर में पानी का संचय करके, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री बढ़ाकर। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है, ऑप्शन ए विषमांग उत्प्रेरक, ऑप्शन बी समांग उत्प्रेरक, ऑप्शन सी उत्प्रेरक विष, ऑप्शन डी प्रेरित उत्प्रेरक, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन समांग उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट वह है जो ऑप्शन ए अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं, ऑप्शन बी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ऑप्शन सी अभिक्रिया की वेग को अपवर्तित करते हैं, ऑप्शन डी प्रेरित उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन अभिक्रिया की वेग को कम करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन यानी कि Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है, ऑप्शन ए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी NO यानी कि नोबेलियम, ऑप्शन सी H2 यानी कि हाइड्रोजन, ऑप्शन डी CO यानी कि कोबाल्ट, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोबाल्ट। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, ऑप्शन ए जाइमस, ऑप्शन बी इवेंटस, ऑप्शन सी माल्टेस, ऑप्शन डी डायस्टेट, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन जाइमस। जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, जब मैग्नीज और डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है, इसका कारण है ऑप्शन ए मैग्नीज डाइऑक्साइड विघटित होकर ऑक्सीजन देता है, ऑप्शन बी मैग्नीज डाइऑक्साइड अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी मैग्नीज डाइऑक्साइड अच्छा संपर्क उत्पन्न करता है, ऑप्शन डी
मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है? बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है ऑप्शन ए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन बी गर्म एल्मिना, ऑप्शन सी क्यूप्रिक क्लोराइड, ऑप्शन डी लोहे का चूर्ण। बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन क्यूप्रिक क्लोराइड। देखिए मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है तो अच्छे से पढ़िए। जो लवण का अवशोषण करता है वह कहलाता है ऑप्शन ए हाग्रोस्कोपिक लवण, ऑप्शन बी एनहाइड्रस लवण, ऑप्शन सी हाइड्रोफिलिक लवण, ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिक लवण। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन हाग्रोस्कोपिक लवण। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? ऑप्शन ए केवल कोशिका द्रव, ऑप्शन बी कोशिका द्रव और केंद्र द्रव, ऑप्शन सी केवल केंद्रक द्रव, ऑप्शन डी कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अनिकोशिकांग। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अनिकोशिकांग। कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम होती है क्योंकि ऑप्शन ए यह वर्णित और जैव अणुओं से बनी होती है, ऑप्शन बी यह उच्चतर सांद्रता वाले क्षेत्र से निरंतर सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर कुछ पदार्थों का अभिगमन नहीं होने देती, ऑप्शन सी जैव अणुओं का संचलन केवल विशिष्ट सांद्रता पर होता है, ऑप्शन डी यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर, ऑप्शन डी सेंट्रीओल। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सेंट्रीओल। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के जन्मदाता हैं ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी डी ब्रीज, ऑप्शन डी डार्विन। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रीज। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, ऑप्शन बी बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन से, ऑप्शन डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग किए जाने से। एम्फीबिया बनाता है ऑप्शन ए बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, ऑप्शन बी केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, ऑप्शन सी केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को, ऑप्शन डी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। केवल नर मेंढक टरटराते हैं क्योंकि ऑप्शन ए मादा मेंढक में वाक कोश नहीं होते हैं, ऑप्शन बी मादा मेंढक में सुविकसित वाक कोश होते हैं किंतु वाक रज्जु इनमें स्थित नहीं होते हैं, ऑप्शन सी नर मेंढकों में वाक रज्जुओं के तीन युग्म होते हैं अतः ये तीन गुनी ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, ऑप्शन डी नर मेंढक अपनी ध्वनि को सुविकसित वाक कोशों की सहायता से आर्वाधित कर सकते हैं। बताइए। इसका सही आंसर है मादा मेंढक में वाक कोश नहीं होते। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी वर्णकिल्वक, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी वातरंध्र। बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वर्णकिल्वक। निम्न में से कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था? ऑप्शन ए डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन बी डॉक्टर जेसी बोस,
ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सलीम अली। आर्कियोपटेरिक्स है ऑप्शन ए जुरैसिक युग्म का सर्व पुरातन पक्षी, ऑप्शन बी जुरैसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन सी ट्रायसिक काल का सरीसृप, ऑप्शन डी ट्रायसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन जुरैसिक युग्म का सर्व पुरातन पक्षी। प्लबर क्या है? ऑप्शन ए रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूधिया स्राव, ऑप्शन बी सघन वसा की परत, ऑप्शन सी किसी एक्वाटिक पौधे द्वारा कीटों को फंसाने की युक्ति, ऑप्शन डी चावल के पौधों का फंगल संक्रमण। बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सघन वसा की परत। वेल स्तनधारी है क्योंकि इसमें ऑप्शन ए फेफड़े चार, वैश्मीय दिल व केशुरुक दंड होते हैं, ऑप्शन बी दुग्ध ग्रंथियां, जरायुज व वाल होते हैं, ऑप्शन सी क्लोम और जरायुज व होते हैं, ऑप्शन डी चार वैश्मीय दिल और फेफड़े होते हैं। बताइए, इसका सही आंसर है ऑप्शन दुग्ध ग्रंथियां, जरायुज व वाल होते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है ऑप्शन ए कूलाम का नियम, ऑप्शन बी फैराडे का नियम, ऑप्शन सी जूल का नियम, ऑप्शन डी ओम का नियम। बताइए, यह क्वेश्चन तो आपके 12th स्टैंडर्ड का है, आप अच्छे से बता सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ओम का नियम। तो इसी के साथ हमारे टॉप 25 क्वेश्चन की लिस्ट खत्म हुई। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और हम कल मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो के साथ। धन्यवाद।